वर्दी पहने इस शख्स ने कर दी ठगी की सारी हदें पार। पुलिस वाले भी बोल पड़े, ये सब कहाँ से सीखे सरकार? फर्जी वाले के दम पर खरीदी गाड़ी, बना लिया आलीशान मकान। पुलिस वाले भी हैरान, अब घर वाले चल रहे परेशान। रात को शहंशाह निकलता था अपराधियों को सबक सिखाने, लेकिन भाई निकलता था रुपया कमाने। इस शख्स के कारनामे के बारे में जानेंगे तो आप दांतों पहले उंगलियां दबाएंगे और बोल पड़ेंगे गजब का फरौटी आदमी है भाई। वर्दी वाले इस भाई ने ऐसा रास्ता चुन लिया जिसने कुछ ही दिनों में इसे लखपति बना दिया। पहले चंद रुपयों के लिए तरसता था, लेकिन दिमाग में आया एक शातिर आईडिया और वो काम भी कर गया। कुछ ही दिनों में लाखों रुपए बिना मेहनत के इस आदमी ने बना लिए। वर्दी थी, वर्दी का इस्तेमाल किया और ऐसा गेम प्लान तैयार किया जिसका जब पर्दाफाश हुआ तो सभी हैरान रह गए। आपने तरह तरह की ठगी करने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन इस भाई ने सभी ठगों के मुंह पर तमाचा लगाते हुए गजब का खेल खेला। महज 23 साल की उम्र में इसने वो सब हासिल कर लिया जो इसे चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया, तो आपको बता दें कि वर्दी पहने हुए ये आदमी कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक ठग है। इसने ठगी करते हुए कितने पैसे बनाए ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस सुपर ठग के बारे में जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले इस आदमी का नाम मुकेश यादव है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। फिरोजाबाद जिले की टुंडला पुलिस ने इसे अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी शख्स का वजन तकरीबन 150 किलो और उम्र 23 साल है। इसी के वजन की वजह से इसके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा वजन, साथ ही बदन पर 3 सितारे वाली वर्दी ने इसे शक के घेरे में ला दिया। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब पुलिस की नजर मुकेश के वजन और कम उम्र पर गई तो उसने तुरंत पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन फिर भी मुकेश ने पुलिस वालों से अकड़ में बात की और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मानो वो सच में उन्हीं में से एक है। लेकिन जब पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई तो आरोपी मुकेश घबरा गया, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो गया और उसे गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। असल में पुलिस को खबर मिली थी कि कोई पुलिस वाला एक्सप्रेस वे पर अवैध वसूली करता है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और काफी मेहनत के बाद फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बने मुकेश की गिरफ्तारी हो पाई। मुकेश कैसे ठगी करता था अब वो भी जान लीजिए। जिस तरह फिल्म में अमिताभ बच्चन रात को शहंशाह बनकर निकलते थे, वैसे ही मुकेश भी वसूली के लिए निकलता था। अपनी ही कार पर पुलिस का बड़ा सा स्टिकर लगाकर वो अपने दूसरे साथियों के साथ सड़क पर रोज वसूली करता था। ये खेल काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन पुलिस के चंगुल से मुकेश लगातार बच रहा था। आरोप है कि मुकेश हाईवे से गुजरने वाले ट्रक और प्राइवेट बसों से मोटी रकम वसूलता था। बताया जाता है कि मुकेश ने ऐसे ही लाखों रुपए की वसूली कर ली। हालांकि पुलिस के चंगुल में आने के बाद उसने खुद को बचाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और बोलने लगा कि साहब मैंने वसूली नहीं की है, मैं तो सिर्फ टोल बचाने के लिए वर्दी पहनता था। लेकिन पुलिस को पक्की खबर मिली थी कि एक्सप्रेस वे पर वसूली का खेल चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश पर कई धाराओं में कार्रवाई की है और उसे जेल भेज दिया है। लेकिन इस तरह से अवैध वसूली करने वाले मुकेश के बाकी दूसरे साथियों की अब पुलिस तलाश कर रही है। खबर है कि उसके कई दूसरे साथी भी इसी तरह से एक्टिव हो सकते हैं। यही नहीं, पुलिस अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गैंग तो शामिल नहीं। पुलिस की वर्दी में फर्जीवाड़ा करने वाले इस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर।